नीतीश जी ऐसी नींद में सोए हुए हैं, लोग कहता है कि ललन जी उनको नींद में सुला दिए हैं, और तेजस्वी जी छः बड़े विभाग मलाईदार विभाग को लेकर ऐश कर रहे हैं। यह सरकार लंगड़ी भी हो गई है, बहरी भी है, अंधी भी है, और दिमाग से दिवालियापन वाली यह सरकार है। देखिए वहाँ की बात है, उनसे पूछिए, खींचातान है, लड़ाई है, विवाद है, वह विषय हम लोगों का नहीं है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आरजेडी और जदयू के इस उठा पटक में, और कुर्सी हमारी हो तो हमारी हो तो हमारी हो, इसकी लड़ाई में, यानी कुर्सी की लोलुपता में आरजेडी और जदयू दोनों बिहार को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के की सरकार को, आरजेडी या जदयू की सरकार को विकास से मतलब नहीं है, विधि व्यवस्था से मतलब नहीं है, विकास अवरुद्ध है। जो भी हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। यहाँ विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि रोज़ हत्या अपहरण दुष्कर्म की घटनाएँ आम बात हो गई है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और नीतीश जी ऐसी नींद में सोए हुए, लोग कहता है कि ललन जी उनको नींद में सुला दिए हैं, और तेजस्वी जी छः बड़े विभाग मलाईदार विभाग को लेकर ऐश कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार को अभी महागठबंधन की सरकार बर्बाद कर रही है, और बिहार की जनता इसको देख रही है, बिहार कभी माफ नहीं करेगी। सर, हाजीपुर में एक बड़ी घटना घटी है, स्कूल के रसोइये को, सरकारी स्कूल के रसोइये को उसके ही टीचर के पति के द्वारा अर्धनग्न करके पीटा गया है। देखिए मैं बताया ना कि यहाँ विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, अपराध की प्रवृत्ति इस तरह से राक्षसी रूप ले लिया है, आम घटनाएं इस प्रकार की रोज हो रही है, दुष्कर्म की, मारपीट की, महिलाओं को कभी अर्धनग्न कर तो फिर उनके साथ बेरहमी के साथ कई तरह की अभद्र व्यवहारें करके। देखिए मोकामा की घटना पहले भी देख चुके, इस प्रकार की घटना इतनी होती है, वहाँ भी किस प्रकार से किया गया, एक दलित महिला के मुंह पर, यहाँ तक कि जो शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए करना पड़ रहा है चूँकि आप पूछ रहे हैं, तो कि मुंह पर पेशाब तक फेंकने की बात आ गई, वस्त्रहीन करने की बात आ गई, पिटाई करने की बात आ गई। तो यह सरकार लंगड़ी भी हो गई है, बहरी भी है, अंधी भी है, और दिमाग से दिवालियापन वाली यह सरकार है। वहाँ तो यह होना बिहार में आम बात हो गई है, जो बिहार के लिए बहुत ही अहितकर है, बिहार के लोग उसको देख रहे हैं, बिहार भय के वातावरण।